दूंगा। जो भी तुम उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा, लेकिन अगर कुछ भी गिरा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो गाइस तुमको तो पता होगा हम लोगों के कुछ ड्रीम होते हैं जो कि हम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होता, लेकिन इस वीडियो में गाइस आप लोग फीलिंग ले सकते हो कैसे ड्रीम पूरा कर सकते हैं बंदे का। भाई हम फीलिंग ही ले सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। तो गाइस मिस्टर बीस्ट ने एक चैनल रखा हो जिसमें आप लोगों को शॉप में जाना कोई भी एक्सपेंसिव चीज उठा लो, कुछ भी उठा लो, लेकिन यार आप लोगों को पैसे उसके नहीं देने पड़ेंगे, मतलब उसके पैसे देगा मिस्टर बीस्ट। और हाँ गाइज अगर आप लोगों ने लालच की बहुत सारे सामान उठा लिया, अगर उठा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन एक भी सामान उसमें गिर गया तो भाई आप लोग उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं तो भाई आप लोग सामान चुपचाप रख दो वहाँ पे और वहाँ से निकल लो। अगर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात ये बात? अगर नहीं निकलोगे भाई वहाँ पे सामान के चक्कर में पिटोगे तोड़ी यार। फालतू बकवास ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे मिस्टर बीस्ट कैसे सपने पूरे करते हैं दूसरों का। भाई हम ठीक है, एक स्टोर चुनो, कोई भी स्टोर। अगर तुम्हें बेस्ट बाय मिला तो मैं लिटरली यहाँ से चला जाऊंगा। गैस स्टेशन, गैस स्टेशन, ठीक है। तो हम हैं यहाँ शीट्स पर, तुम्हें ये मिला, जो भी तुम इस पेट्रोल पंप से उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा। मैंने नहीं किया, मतलब अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो गिरा दिया, वो गिरा दिया ना। आ यार लो भाई इस बंदे को तो भाई हो गया गरीबी में आटा गिला, मतलब इतना लालच भी नहीं किया लेकिन घबराहट के चक्कर में इसके हाथों से सामान ही गिर गई। और हाँ गाइस चैलेंज में बैग नहीं अलाउड, आप लोगों को हाथ से सामान उठानी पड़ेगी। अगर आप लोग जितना उठा सकते हो उठा लो, अदरवाइज हाथों से भी गिर गई सामान तो वो भी नहीं होगा आप लोगों का। चलो देखते भाई ये कैसे बंदे की किस्मत तो देखो यार, गैस स्टेशन में क्या लेगा यार, गैस घुस लेगा यार। और चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। गलत बात है जैक, तुम्हारे पास सबसे महंगा लैपटॉप कौन सा है? सबसे एक्सपेंसिव लैपटॉप? हाँ। अच्छा ठीक है देखता हूँ। मुझे कंटेंट चाहिए, इसे मुफ्त में चीजें चाहिए, तो ये विन विन है। पर तुम्हें हमें चैनल के बारे में कुछ बताना। क्या उसने कभी पैंट में पॉटी की है? कह सकते हैं शायद उसने कभी मिस कर दिया हो, उसे कुछ और करना था। ऐसी चीजें हमेशा रहती हैं। ओके। $149 की HDMI केबल। हाँ क्यों नहीं, खोल के देखते हैं। ओ, ये इसका ध्यान रख रहा है। तुम्हें ये चाहिए? Well, तुमने इसे छू लिया है तो अब ये तुम्हारा है। क्या तुम्हें ये भी चाहिए? इसके लिए Yeti Caster भी ले लो, ये वाला अच्छा है। हे, तुम्हें गूगल होम चाहिए? नहीं, मुझे सरकार अपने घर में नहीं चाहिए। देखते हैं, अगर अगर इसने कुछ गिराया तो मुझे बहुत बुरा लगने वाला है। तो गाइस देखो ये बंदा लालच कर रहा है, और लालच किसको भी ना यार, इतना सारा सामान देखने के बाद हर किसी को लालच आएगा, लेकिन यार लालच के चक्कर में यार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मार लेना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इस बंदे ने 3,000 पकड़े हैं, तुम्हारे हाथ कैसे हैं ठाकुर? अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है ना। क्रिस क्या तुम मेरे लिए ऐसे वीडियोस बना सकते हो? मेरे पैसे नहीं लगेंगे तो मुझे मजा आएगा। मेरे पास भी ऐसे कमाल के मर्च हो बेचने के लिए। सच में इन्हें खरीदने चाहिए। तुम्हें $300 के टूथब्रश चाहिए? हाँ। रुको रुको, यहाँ ऊपर सामान है, ये सिक्योरिटी कर लेगा। तुम्हें यहाँ पर चाहिए? मैं वहीं पर रखने वाला था इसे। ठीक है ठीक है, हम इसे यहाँ रख देंगे। ये रहा तुम्हारा $300 का टूथब्रश, ठीक है तुम्हारा हो गया। हाँ ओके, उसे यहाँ रख दो। ठीक है, इसे नीचे रख दो, ये बस एज को टच हो जाए। दोस्त आज ये स्क्वाट किया है, नीचे स्क्वाट नहीं कर सकता। स्क्वाट स्क्वाट। हाँ रख दिया, ये हो गया। हाँ हो गया, और कुछ गिरा भी नहीं। यार इसका भी अभी गरीबी में आटा गीला हो जाता भाई, लेकिन ये बच गया। लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, इन लोगों को यार एक्सपेंसिव चीज देखने की आदत नहीं क्या यार? जिसको देखो यार उसके हाथ कपकपाने लग जाते हैं। हमसे सीखो यार, इतने महंगे महंगे और एक्सपेंसिव चीज देखने के बाद हमारे हाथ थोड़ी कपकपाते हैं यार, हम सीधे बेहोश हो जाते हैं। आई एम जस्ट किडिंग मैन, मजाक कर रहा हूं यार। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? प्रॉमिस करो तुम हुडी खरीदोगे। एक्चुअली जरा पैसे देना, एक हुडी खरीदो। अगली बार मुझे तुम मिस्टर बीस्ट के मर्च में देखना। मैं वो लाल जोकर वाला लूंगा, वो मेरा फेवरेट है। तो ये कितने का है? 71, 30, 31। ठीक है, इतने में हो जाएगा? हो सकता है, लगता तो है। क्या तो अच्छा? कैसा लग रहा है, तुमने बहुत कुछ खरीदा है। कितने का है? 7,000 के आसपास। कमेंट, कौन बेहतर है, जैक या चैंडलर? चैंडलर, तुम जो भी उठाओगे उसके पैसे मैं दूंगा। जो भी मैं उठाऊंगा पैसे मैं दूंगा। ये मैं कितने का हूँ भाई? ठीक है, अब तुम इसे नीचे नहीं रख सकते हो, नहीं तो हार जाओगे। ये मजाक था। बहुत भारी है। कहाँ पर है? चल तुम इस चैलेंज के लिए तैयार क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पता था, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, इसने इसे उठा लिया है, ये इसे नीचे नहीं रख सकता। अगर ये जमीन को छुआ तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें LED स्ट्रिप्स चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये $30 का है। ये टीवी ले लो, ये इतना भारी नहीं दिख रहा है। हाँ सही कह रहे हो। तो ये नहीं, ये बंदा रॉयल बैटल में था, ये किताब खरीदो। हाँ सही है यार, ये लो परफेक्ट। इस वॉलमार्ट की जय हो, मुझे इतनी बार वॉलमार्ट से बाहर निकाला गया है पर ये वाला एकदम मस्त है। ठीक है। ओ तुमने छू लिया, क्या ये गलती से हुआ? हाँ शायद। थोड़े चाकू भी खरीद लूँ? हाँ। ओ तुमने छू लिया, अब तुम्हें वो खरीदना पड़ेगा। चलना तुम्हें कुछ पेंजॉइल चाहिए? नहीं मैं इतना लिखता भी नहीं हूँ।
इस बास्केट में कितने का है ये? मुझे लालच बुरी वाला, मतलब ये भाई ने तो यार दिल में बात ले ली यार, ये लालच नहीं कर रहा है बिल्कुल। अगर ये ऐसे खरीदते रहे तो भाई $100 का भी सामान आई थिंक मेरे को खरीद नहीं पाएंगे लगता। क्या 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 खरीद रहा भाई, ये देख रहे भाई कितनी सस्ती चीजें खरीद रहा भाई। मैं आप लोग क्या खरीदते यार ये बताओ पहले। ईथन हमारे दूसरे एडिटर को मिली फूड लाइन की चिट्ठी, और हम सबको पता है राशन की शॉपिंग इतनी मजेदार नहीं होती, तो इसे मैं आगे भगाने वाला हूँ पर कुछ रॉक म्यूजिक के साथ। तुम जानते हो ना बेस्ट सीरियल कौन सा है? साथ में बोलेंगे तीन पर, एक दो तीन, कैप्टन क्रंच। तो ईथन कितने खर्च किए? ग्रैंड टोटल हुआ है $106। छी, बस तुम इतना ही उड़ा सके? बस $100 क्या यार, हम डिस्काउंट फूड स्टोर में मुझे फर्क नहीं पड़ता। गैरेट हमारे ये सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? इन सब में यार एक ही बंदे ने सिर्फ फायदा लिया फ्री की चीज उठाने में, जो कि यार वो लैपटॉप और LCD उठा रहा था। यार आप लोग होते तो भाई क्या क्या उठाते कमेंट सेक्शन में बता देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।